La sansare me, linda di lasciare me, a offrirvale di, per intestare me, per intestare me, a offrirvale di, per intestare me, per intestare me. Sant Mahatma मालक दे प्यारे हमेशा ही सानू दस दे आए ने कि ए देश तुहाडा देश नहीं, ए घर तुहाडे घर नहीं, जे शरीर दे अंदर तुसी बैठे हो ए शरीर भी तुहाडा नहीं, ए भी पराया मकान है, किराए दा मकान है, इत्थों ही ए खोल आत्मा नू मिलिया, इत्थे ही छड जाना है। साइंसदाना ने, दुनिया दे खोजियां ने बड़ी खोज की, इस गोल दुनिया के विचों निकल वास्ते सब ने इस नू गोल दुनिया कहा। जदों अफ्रीका और एशिया यूरोप मुल्क सारे मलूम कर ले सन, और अमरीका नू भी वो लोग समुद्र दे विच ही शामिल करते सन, वो गोल ही दुनिया नू कहिंदे सन। जद अमरीका मलूम होया फिर उन्हां दा कहना ठीक सीगा, क्योंकि असी चौहान दिशा दे विच किते भी गए आखिर पहुंचों के असी उत्थे ही आ गए। साइंसदाना ने, खोजी लोगों ने मेहनत की, जमीन नू खोजे, जमीन नू खोदया, थलों पानी निकल आया, अगर पहाड़ ते गए तो सर्दी लगी, हवाई जहाज ते चढ़े आखिर उपर जाके फिर थले आना पिया। अज दे साइंसदाना ने, खोजियां ने उदों भी वध उडारी मारी है, वह ग्रहां दे उपर जावड़े है, लेकिन आखिर पहुंचो के फिर भी इत्थे आना पैंदा है। इंसान ने बड़ियां उड़ारियां मारियां, बड़ा उच्चा उड़िया, बड़ी खोज की, लेकिन दुखां दी निवृत्ति, जमण मरण दी निवृत्ति ना कर सकिया। तो महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि किस तरह इस गोल दुनिया दे विचों निकलना है, क्योंकि उस परमात्मा दी असी खोज करदे हैं, वह परमात्मा ना आसमाना उपर है, ना जमीन दी तह अंदर है, और वह परमात्मा तो साड़ी देह और वजूद दे अंदर है। डॉक्टर चीरफाड़ करता है जदों उसनू लिखत दे विच लिआउंदा है, वह उस तरह की चीज़ नहीं लिख सकता गा। इस तरह अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि खंड ब्रह्मांड परमात्मा असी शरीर विच नहीं देखिया, बथेरे चीरफाड़ किए है, डॉक्टर अपने थान सच्चा है, लेकिन जिहड़ी संतां दी सेंस है, जो कोई संतां नूं तजर्बा होया है, वह अपने थान सच्चा है। संत महात्मा सानू टैलीविजन सैट की मिसाल दे के समझाउंदे है कि जिस तरह टैलीविजन सैट हुंदा है, उस दे अंदर हर किस्म दे साज वजदे है, बंदे बुढ़िया बड़े प्यार नाल बोलदे है, नचदे है, टपदे है, असी खुद अखां नाल देख रहे हैं। अगर जे असी रेडियो सैट नूं भन के उहदे विचों कोई साज कढ़ना चाहिए या किसी औरत या मर्द नूं कढ़ना चाहिए, असी विचों कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते गे, रेडियो सैट नूं जरूर भन दिंदे हैं। इस तरह अगर ये शरीर नूं असी तोड़ फोड़ करिए, इहदे विचों कोई खंड ब्रह्मांड कढ़िए, नहीं मिलेगा। संत महात्मा सानूं दसदे है ये सब चीज़ां सूक्ष्म हन, मन दे पर्दे दे पिछे हन, थोड़ा मन इन्हां नूं लुकोई बैठा है। जब मन का पर्दा चुकोगे ये थोड़े अंदरों ही सब कुछ मिल जाएगा। सब तो पहला असी देखना है सतगुरु की चीज़ है और की उसका मिशन है और सतगुरु का की काम है इस संसार मंडल से। हर आत्मा आपो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाउंदी फिरदी है। जद ही ये परमात्मा तो विछड़ी है, कोई नहीं कह सकता ये दुनिया कद बनी है, और यह कई बारी परलो महापरलो हो चुकी है। संत महात्मा कर्मों का हिसाब किताब चुकाउण नहीं आउंदे गे, उन्हां नूं परमात्मा भेजदा है, उन्हां दी अपनी कोई इच्छा नहीं हुंदी गी। वह आत्मा नूं इन्हां कर्मों तो आजाद करा के इस दुनिया गोल चो कढ़न वास्ते आउंदे हन। परम पिता कृपाल कहिंदे हुंदे सन कि जेल दे अंदर कैदी भी जांदे है, डॉक्टर भी जांदा है, कैदी आजाद नहीं, डॉक्टर आजाद है, कैदियां कैदी बीमारां दी वह देखभाल करन वास्ते जांदा है। मिर्ग अगर एक बार कड़के नूं तोड़ जाता है, वह फेरा के लत नहीं फसाउंदा गा। जिसनूं बेहिस्त की सैर मिले करन नूं वह कलरां विच घटा नहीं अड़ाउंदा फिरदा गा। जिसका प्यारे नाल परमात्मा नाल मिलाप हो जाए वह विछोड़ा गल दे विच नहीं पाउंदा गा, और जिसनूं अमृत पीण नूं मिले वह तली ते रख के मोहरा नहीं खांदा गा। संत महात्मा मालक दे प्यारे
अपने पिता का हुक्म मोड़ नहीं सकते गे, उहदे हुक्म विच ही संसार विच आउंदे है, इत्थे आके उह समाज अंदर पैदा हुंदे है और फैमिली भी रखते हैं, लेकिन वह साढ़े तरह नहीं होंगे गे, वह इन्हों चीज़ों के रेंदे हुए अलिप्त होंगे है। जिस तरह मुरगा भी जल में ही खेड़ी है, कूदी है, उड़ती है, खाती पीती सब कुछ है, लेकिन उस खुशक पर उड़ती है। इस तरह मालिक के प्यारे इस दुनिया के रेंदे हुए दुनिया दिया मैलों में नहीं लिबड़ते गे, और मालिक के प्यारे सानू दसते है अगर परमात्मा ने थानू कोई सहूलत दिखाई है, धन दौलत पदार्थ दिता है, बच्चे बच्चिया दिते हैं, तो तुसी इन्हां तो कम लो, इन्हां नू अपने सेवक समके समझ के इन्हां तो कम लो, इन्हां दे सेवक ना बन जाओ। इस गोल दुनिया दे विच्चों निकल वास्ते सतगुरु सानू नाम दा भेद दिंदा है, नाम सब दी रख्या करदा है, असी सतगुरु दी गोद विच रूहानी तरक्की करदे हां। जद असी स्थूल दुनिया दे विच बैठे हैं, सतगुरु भी असूल दुनिया दे विच है, वह साढ़े सवालों के जवाब दिंदा है, साढ़े अंदर नाम जपन का शौक विरे तड़ पैदा करता है, सत्संग दे जरिए सानू हर तरह समझाता है। जब असी फैले हुए ख्याल नू सिमरन दे जरिए तीसरे तिल ते इकट्ठा करके सूक्ष्म देश दे विच पहुंच जाने हैं, सूक्ष्म देश जो है वह संसदल कमल है, और गुरु उत्थे नूरी स्वरूप हुंदा है। जब असी होर तरक्की करते हैं, अगे ब्रह्म दे विच जाने हैं, उत्थे साडा कारण शरीर है और सतगुरु शब्द है, और जदों असी तिने पड़दे अस्थूल सूक्ष्म कारण ला के पारब्रह्म दे विच पहुंच जाने हैं, उत्थे आत्मा दा नूर बारह सूरज दा है, उत्थे औरत और मर्द दा लिंग भेद नहीं हुंदा गा, फिर आत्मा नूं पता लगता है कि मैं आत्मा हाँ। आत्मा ना गोरी है, ना काली है, ना यह सावी है, ना यह किसी अमरीका दे रहन वाली है, ना यह हिंदुस्तान दे रहन वाली है। हर मुल्क दा आदमी, क्या बुढ़ा, क्या बच्चा, क्या औरत, क्या मर्द, परमात्मा की भगती कर सकता है, परमात्मा नूं पा सकता है। परमपिता कृपाल कहिंदे हुंदे सी हर आदमी वास्ते उम्मीद है। जिथे मर्दा ने कुरबानियां कीतियां, कमाई की, परमात्मा नूं आपदे अंदर प्रगट किया, उत्थे औरत ने भी अपना दिल प्रभु दे नाल जोड़िया, प्रभु नूं पाया। बड़ियां बड़ियां कमाईयां वालियां महात्मा इस्त्रियां होईयां हन। मुसलमानां दे अंदर महात्मा गार्गी बड़ी कमाई वाली होई सी, और इसे तरह राबिया बसरी बड़ी कमाई वाली मुसलमानां दे धर्म विच होई है। राबिया बसरी कोले आके कुछ लोगों ने नरकां दा हाल दस्या, नरकां दीयां गल्लां कीतियां। वह कहण लगी कि मेरे पास एक लोटा ही पानी का काफ़ी है नरकों की अग्न ठंडी करने वास्ते। हुण तुसीं खुद अंदाजा ला सकते हो कि किन्नियां किन्नियां कमाईयां वालियां औरतां होईयां हन। राबिया बसरी बहुत एक गरीब घर के अंदर पैदा हुई सी, इत्थों तक कि जब बच्चा पैदा हुंदा है बहुत लोग की करते हैं उदों, क्योंकि अजकल तो बिजली का युग है, बटन दबाया लाइट है, उदों इतना साधन नहीं सीगा, तेल लियांदे दीवा जगा के बच्चे नूं दिखाउंदे हुंदे है, क्योंकि माँ दे पेट अंदर बच्चा जोत और शब्द दे आसरे ही अपना वक्त पूरा करदा है। और बच्चा जद पैदा हुंदा है हमेशा वास्ते, अगर बच्चा रोंदा है, जद लिंग टुटदी है, कई मावां उदों खड़का भी करदियां है, और आम तौर दे उत्ते लाइट उस दे अगे कीती जांदी है ताकि बच्चा चुप हो जावे। और राबिया बसरी दे करे इतना भी कुछ नहीं सीगा, उहदे पिता नूं गुआंढियां दे करे भेजिया भी तू उहनां तों तेल लिया थोड़ा जिहा। वह मंगना पसंद नहीं करदा सीगा, आखिर जे ना गया तो उहने सोचिया बीवी गुस्से होएगी। वह घर वालां दा कहना भी मन्निया, उहनां दे बूहे नूं हाथ ला के वापस आ गया लेकिन तुसीं देख सकते हो उस दे उत्ते गरीबी ने कोई असर नहीं किया, और आखिर उन्हें गरीबी के अंदर रहिंदिया होया परमात्मा की भगती की, परमात्मा नूं पाया। इस तरह मीरा बाई, सहजो बाई, दया बाई, ये साढ़े राजपूताने राजस्थान के अंदर होईयां हन। मीरा बाई राजां दी पुत्री सी, और उसने गुरु रविदास नूं धारण किया। माता पिता नूं बड़ा कष्ट होया क्योंकि उहदा गुरु नीवी जाति के अंदर सीगा, वह राजे महाराजे सन। उसनों हर किस्म की तकलीफ दी गई, यहर पिलाया गया, सप उहदे मारन वास्ते हार बना के भेजा गया, लेकिन मीरा बाई ने परवाह नहीं की, शब्द नाम की कमाई की। मीरा बाई नूं समझाउण वास्ते कई फैमिली के विचों आदमी उहदे कोले छड्डे गए, लेकिन कुछ दिन की सोभत दे नाल
मीराबाई दा उन्हां उत्ते रंग चढ़ गया, बल्कि उन्होंने भी नाम प्राप्त किया, वह भी मीरां दे गुण गाउण लग पे। मेरा कहने का भाव इतना ही है कि वह महान आत्मा जो सचखंड तो आउंदियां हन, ना उन्होंने गरीबी का असर हुंदा है, ना उन्होंने अमीरी का असर हुंदा है, उन्होंने अगे निशाना प्रभु प्रभु परमात्मा प्रभु प्राप्ति हुंदा है। मैं दसदा हुंदा कि जिस तरह मीराबाई नूं उहदी फैमिली दे लोग हटाउंदे सन, इस तरह मेरी फैमिली दे लोग भी प्यार नाल भी और डर नाल भी हर किस्म दा उन्होंने कोशिश की प्रभु कृपाल की भगती जो हटाने वास्ते। लेकिन उन्होंने हजारों गल्लां दा मेरे को एको ही जवाब हुंदा सी, वो ये हुंदा सी कृपाल सिंह नूं सिमर के पापी तरे अनेक, कहे अजैब ना छड़िए कृपाल सिंह दी टेक। क्यों असी गुरु दे नाल प्यार करना है? क्योंकि गुरु दा प्यार ही सानू मन इंद्रियां तो आजाद करेगा और इस संसार चो निकलण दा अगर ताकत बख्शेगा तो गुरु का प्यार ही बख्शेगा। प्रेमी दे दिल दिल दिमाग जबान दे उत्ते गुरु का ही नाम हुंदा है। सुत्ता जागदा उठदा बहिंदा गुरु ही गुरु करदा है। वह किसी की गवाही नहीं दिंदा गा, उहदे कोले गवाही वह किसी का बल लै के नहीं चलता गा, उहदे कोले उहदे गुरु का ही बल हुंदा है। अगर थोड़े अंदर गुरु का बल है, तुसी गुरु का बल लैके चलते हो, थोड़े अंदर भरोसा है, थोड़े अंदर प्यार है, थानू कोई भी ताकत जित नहीं सकतीगी। चार वेदा का पढ़िया होया पंडित भी अगर थोड़े को आ जाए वह भी लाजवाब होकर चलिया जाएगा। सच्चा प्यार सच्ची इज्जत गुरु की अंदर जाके आती है। जो असं अंदर जाके देखते हैं कि उपरले मंडलों में गुरु की की पोजिशन है और किहड़ियां ताकत गुरु के अगे झुक रही है और किस तरह इंसानी जामे दे विच ये भगवान ही छुपया बैठा है। गुरु नानक साहब कहिंदा है समुंद बिरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद न पाई। थोड़े अगे छोटा जा सहजो बाई का शब्द रख रहे हैं, प्रेम न सुनो विचार जोगरा है कि सचखंड पहुँच के भी महात्मा के अंदर किन्नी अपने गुरु प्रति श्रद्धा है प्यार है, वह गुरु नूं की समझते हैं। पूंजा की सार पूंजा ही जानदियां है, घुगियां गिटारा की जानदियां हैं। इस तरह संतां की सार जिहड़ी महान आत्मा उसे मंडल तो आई है वह ही जानती है। दुनियादारा नूं की पता है कि संत की हुंदे है और की इन्हां दी पोजीशन परमात्मा दे घर है। अब तुम अपनी ओर निहारो, अब तुम अपनी ओर निहारो, हमारे अवगुण पर नहीं जाओ, तुम ही अपना बिरद सुमारो। सहजो बाई कहती है मैं अपहाज हाँ, मेरे विच कोई ताकत नहीं, मैं किस तरह पहाड़ की चढ़ाई चढ़ सकती हाँ, मैं पिंगली हाँ, तू ही दया कर। मैं कां क्रोध लोह मोह हंकार के अंदर घिरी हुई हाँ, तू ही दया करके मैनू अपने नाल खिच और अपना प्यार बख्श। जब तक असी अपना अंदर खाली नहीं करते दुनिया नू बहार के, मैं मेरी नू बाहर नहीं कढ़ दे, वह परमात्मा कित्थे आके बैठे। महाराज सावण सिंह परम पिता कृपाल ये मशहूर मिसाल देंदे हुंदे सी, मैं कई दफा संगत च भी दसदा हुंना है कि एक सुथरा ला तड़क फकीर होया है, उसने किसी नूं पुछया कि मकान किस तरह मजबूत होएगा। किसी ने दसिया कि अगर मकान दे अंदर थम लाए जाण तां मकान मजबूत हो सकदा है। वो एक साइड तो थम लाउण लग्या, सारा मकान थम्मां दे नाल भर दित्ता। जदों अंदर जगह ना रही बाहर खड़ा, बारिश आ रही सी सर्दी पै रही सी, किसी ने दसिया भलिया मानसा तू अंदर वड़ जा, क्यों सर्दी ना मर रहा है, बीमार हो जावेगा। वो कहन लग्या अगर अंदर जगह होवे तो मैं थम ना होर ला देवां। यही हालत साड़ी है, असी कहने हैं कि परमात्मा नूं अगर अंदर बिठाउण दी कोई जगह होवे तो असी दुनियादारी दे ख्याल होर ना भर लईए। इत्थे हिंदुस्तान दे अंदर मंदिर दे पुजारियां पंडितां नूं लोग अनपणी खवा के बहुत पुन समझते हैं, खास करके पिछले जमाने तो ज्यादा ही सही। दो पंडित किसी गृहस्थी ने सदे के साढ़े घरे थोड़ा न्यौंदा है, वह आए उन्होंने लोगों खीर खाण की बड़ी दिलचस्पी होंगी है। उन्होंने जो भी खीर बनाई सी सारी खा ली और जो पैर भी दिसनों हट गए फिर कितने जाके बेचारे उठे और
अपने बूट पाउण दा भी पता ना लगे भी ये मेरे बूट है या इहदे है। एक पंडित दूसरे नूं पुछदा है कि वे कि मेरे पैरां च देख मेरे ही बूट है। दूसरे ने उस नूं पुछया तू भी देख भी मेरे ही बूट है। वह हुण खाणा ज्यादा खाधा सी औखे हुंदे जांदे सी साह आउंदा नहीं सी। अगे कोई जिमीदार मिलिया वह कहण लग्या पंडित जी तुसी इतने औखे हो रहे हो थोड़ा बहुत चूरन खा लो। वह कह लगे चूरन पाने की जगह होंगी तो खीर होर ना पा लेंगे। वही हालत साड़ी है। असी कहने अगर गुरु के अगे फरियाद करने वाली जिनी भी जगह है वह तो असी काम क्रोध लोह मोहंकार ना दुनिया के ख्यालों भर ली है। हुण फरियाद करने वाली जिहड़ी जगह है वह असी सारी दुनिया के ख्यालों ना भरी बैठे हैं। हमारे औगुण पर नहीं जाओ तुम ही अपना बिरद सुमारो जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी वेद पुराण सहजो बाई कहंदी कि हे सतगुरु मेरे अवगुणा कनी तू ना जा अपने बिरदी लाज रख। हर युग दे अंदर वेदा प्राणा ने तेरी महिमा गाई है तू हर युग दे विच आउंदा रहा है पापियां तो पापियां नूं तू गल लाउंदा रहा है। गुरु नानक साहब कहंदे मैं महिमा साधु संघ की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। युग युग साख तुम्हारी ऐसी वेद पुराण ने गाई पत ते उदारण नाम तुम्हारो ये सुन के मन दृढ़ता आई। सहजो बाई कहंदी कि मेरे दिल विच इस वास्ते विश्वास आया कि मैनूं पता लग्या कि जिहदे अंदर भी सतगुरु नाम धर दिंदा है भावें उह कितना भी पापी क्यों ना होवे उह जरूर मालक दे दरबार पहुंचदा है। संतां नूं पता है कि मन माया दे पर्दां दे थले शुद्ध आत्मा भी है। पत ते उदारण नाम तुम्हारो ये सुन के मन दृढ़ता मैं जान तुम सब कुछ जानो कट कट अंतर जामी मैं अनजान हाँ मैनू पता नहीं कित्थों आई है कित्थे जाना है तू हर कट दे अंदर है अंतरजामी है दिलां दीआं जाणदा है कई जन्मां दीआं जीवां दीआं गल्लां जाणदा है तैथों की लुकिया होया है। मैं दसदा हुंदा हां कि इहनां नूं अंतरजामता कमाल दी हुंदी है सिर्फ साडे देखण वास्ते ही इह भोले भाले नज़र दे विच आउंदे है क्योंकि अपना गुण जाहर नहीं करदे। अगर कोई इहनां नूं कहे मैं परख लूंगा कोई परख नहीं सकदा गा। मैं अजान तुम सब कुछ जानो कट कट अंतर जामी मैं तो चरण तुम्हारे लागी हो कृपाल दयाल स्वामी। सिर्फ मेरे कोले अगर कोई आसरा है वह तेरे चरणा का ही आसरा है तू कृपा कर दया कर मेहर कर मैं चंगी हाँ ता भी तेरी है मंदी है ता भी तेरी है। हुण मेरा नाम गुरु चेला पै गया है तू चेले दी इज्जत रख अपनी दया कर मेहर कर। जिन्ने भी नवे भजन मैं लिखे है थानू पता ही है वो अंदर किन्नी निम्रता किन्नी आजी टपकती है किस तरह उस परम पिता कृपाल दे अगे बेनतियां कीतियां गईयां है। असी दुखीए हैं तैथों बगैर साडा कोई दुख नहीं मिटा सकदा गा तू दाता है असी तेरे पखारी हैं। मैं तो चरण तुम्हारे लागी हो कृपाल दयाल स्वामी हाथ जोर के अर्ज करत हूँ अपना हो गया
मैं हाथ जोड़ के बेनती करनी है, तू मेनू अपने गले ना लाए दी लाज रख, अपनिया बाहां विच मेनू ले ला। हाथ जोड़ के अर्ज करत हूं अपनाओगे माही, द्वार तुहारे आई परी हूं, पुरुष गुण में कुछ नाई। मैं तेरे द्वारे उत्ते आ गई है, मैं कोई गुण लेके नहीं आई, मेरे पास औगणा दी पंडा बदिया हुईया है, गुण है ते एक तेरा नाम ही है। सानू भी चाहिए सहजोबाई दी तरह अपने गुरुदेव दे उत्ते भरोसा करिए और भजन अभ्यास करिए, प्यार करिए। जिन्ना असी गुरु ना वध तो वध प्यार करांगे उतना साडे ही फायदे अंदर है, जिन्नी निम्रता आज ही पैदा करांगे उन्ना ही साडा जिहड़ा हिरदा है वह खाली होएगा, उत्थे गुरु का प्यार भर जाएगा।